पे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक्टर सुमन तलवार हूँ। तो आप इधर मखदूम ब्रदर्स ओल्ड सिटी चारमीनार में मैं हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक्टर सुमन तलवार हूँ। तो आप इधर मखदूम ब्रदर्स ओल्ड सिटी चारमीनार में मैं हूँ। तो 89 से मैं इधर हैदराबाद को शिफ्ट हुआ। चेन्नई से फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इधर शिफ्ट हुआ। तो तब से इधर ही हूँ। तो यहाँ ये मेरा अभी मेरा ये व्हाट यू कॉल सेकंड हाउस बोलूँगा। पहले पैदा हुआ मैं चेन्नई में, मेरा बचपन स्कूल कॉलेज पूरा उधर ही चला। फिर उसके बाद तमिल में 1977 में हीरो बन गया मैंने। उधर काफ़ी तमिल पिक्चर्स मैंने किया। उसके बाद 81 में तेलुगु को आया, लेकिन शूटिंग पूरा आंध्रा में चल रहा था, हैदराबाद में नहीं था। मेरा शूटिंग इधर नहीं था। उसके बाद 89 से शूटिंग्स इधर शुरू हुआ, फिर इधर हमारा काम चलने लगा। तो मुझे एक्चुअली मखदूम ब्रदर्स का परिचय कैसे हुआ कि थोड़ा शिफ्टिंग में थोड़ा हमारा कॉस्ट्यूमर्स जो चेन्नई में था वो लोग कुछ लोग उधर ही रह गए, वो लोग इधर हैदराबाद को शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट था और उनका वर्कर्स था, तो पूरा छोड़ के आने मुश्किल है बोल के वो लोग छोड़ दिया। तो इधर कुछ नया कॉस्ट्यूमर्स को और नया टेलर्स को ढूंढने लगे हम। सो लकीली मुझे आबिद भाई को एक कॉस्ट्यूमर ही परिचय किया। तो मैं बाद इधर आया और मैंने शॉप को देखा। सो इट्स वंडरफुल शॉप, क्योंकि यहाँ तो वेरी रीजनेबल रेट में बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम्स मिलता है। ये लोग समझते हैं कि जो लोग आते हैं इधर तो उनका इनकम क्या है, उनका डिमांड क्या है। कॉस्टली अगर फैब्रिक में है तो वो भी बन सकते हैं, नहीं थोड़ा रीजनेबल रेट में बना है लेकिन कोई फेस्टिवल के लिए, शादी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए, उनके लिए कुछ है ना, तो वो भी करते हैं और डेड चीप रेट में भी करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इधर बहुत शॉप्स है, मैं तो बाकी शॉप्स में कुछ मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इधर आबिद भाई उनका फैमिली, हमारा फैमिली बहुत क्लोज हो गए। सुमन जी, आप इतने बड़े एक्टर हो, देश भर फिरते हो, फिर कर आप शॉपिंग भी किए होंगे, पर खासतौर हैदराबाद में इतना परचेस करना क्या खास बात है? मैं वही बता रहा हूँ ना अभी कि मैंने बचपन में, मेरा नेबर जीना टेलर्स बोल के बहुत फेमस थे, तो मैं उधर बाजूपुर में पैदा हुआ और बचपन से मुझे मुस्लिम्स का जो कनेक्शन है, अफेक्शन है बचपन से, क्योंकि उनका घर में हमीद भाई था, उधर उनका घर में पूरा लड़कियां था, उन लोगों को लड़का नहीं था, तो मैं लड़का था उधर। तो छोटे उम्र से मुझे वो ड्रेस पूरा बनाना, फिर खाना बिरयानी, वो सब पूरा वहाँ से शुरू हुआ। और जब मेरे माँ जी एक्चुअली कॉलेज का प्रिंसिपल थे और फादर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मैनेजर थे, तो वो लोग जब ट्रांसफर्स में, मतलब कोई आउटडोर एक हफ्ते के लिए ऐसे जा रहे, तो मैं इनका घर में ही था, मैं उधर ही बचपन से, मैं उधर का खाना पीना पूरा उधर ही था मैं, तो इसे बहुत अच्छा कनेक्शन है, नंबर वन वो है। फिर स्कूल में भी, कॉलेज में भी मुझे मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का पूरा कनेक्शन था। उसके बाद फिल्म एक्टर बनने के बाद और भी हुआ, क्योंकि हमारा जो टेक्नीशियंस है, मतलब कैमरा, लाइट मैन और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डायरेक्शन डिपार्टमेंट पूरा उसमें पूरा है। तो एक्चुअली क्या है कि मैं जब हैदराबाद को आया, उधर एक्चुअली मुझे रियल अरबिक कल्चर,
रियल इस्लाम कल्चर इधर ही मैंने देखा, मतलब प्रेयर्स जो है और जो फेस्टिवल्स है, मतलब रमजान जो भी है, इधर ही शुरू हुआ। तो मुझे वो साइड में कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ। फिर आबिद भाई का जो कॉस्ट्यूम्स का, फिर डायरेक्शन का, आई मीन डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, ऐसे मुझे क्या है ना टोटली जो इधर आई एम हिंदू बट फिर भी मुझे कुछ अरबिक मुस्लिम का कल्चर मुझे बहुत पसंद है। फॉर एग्जांपल लेडीज़ जो हिजाब वो डालते हैं और उनका बुर्का ड्रेस जो है ना, वो बहुत मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वेरी मॉडर्न ड्रेस है, वो इतना सिंपल है, बहुत मॉडर्न ड्रेस है। और वैसे कल्चर, उन लोगों का कल्चर जो भी है, जो मुझे कल्चर सूट होता है मैं उसको मैं ले लेता हूँ, मुझे जो सूट होता है उसको ले लेता हूँ और मैं उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज भी मैं तोली चौकी में हूँ, मेरा घर तोली चौकी में है और सुबह 4:30, 4:45 को शुरू होता है वो प्रेयर, शुरू होता है, अजान शुरू होता है। तो मैं अगर सो रहा हूँ भी मैं उठता हूँ, मैं उठ के बैठता हूँ, बैठ के मैं थोड़ा आधा घंटे तक सुनता हूँ, उसके बाद अगर शूटिंग नहीं है तो फिर सो जाता हूँ, मैं फिर 6 बजे उठता हूँ। ऐसा है क्योंकि मुझे क्या है ना, मेरा बिलीफ ऐसा है कि जो रिलीजन है वो सब लोगों का रिलीजन इज़ वेरी गुड, मतलब इसमें कुछ पावर रहता है। तो मैं आई गो टू मस्जिद को जाता हूँ, मुझे बहुत फैंस है हर फ्राइडे को, उनको मालूम है हर फ्राइडे हमारा मैसेज, मेरा जो मुस्लिम फ्रेंड्स है मैं भेजता हूँ हैप्पी फ्राइडे बोल के और कुछ मुबारक, जुम्मा मुबारक मैं भेजता हूँ। ऐसा है मेरा मेंटालिटी ऐसा है। हाँ, बिजनेस अलग है, ये अलग है, कनेक्शन अलग है, हमारा फैमिली का रिलेशन अलग है, वो अलग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे और ऐसा फ्रेंडली रहेंगे। अब रिलीजन, सबका रिलीजन बड़ा है, तो किसी को कम नहीं बताऊँगा, किसी को बड़ा नहीं बताऊँगा, क्योंकि क्या हम कितना भी रिलीजन, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये क्यों बताता हूँ कि आजकल रिलीजन के बारे में बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं और इसमें झगड़ा ले रहे हैं और इसमें थोड़ा हमारा रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। मैं यही बताता हूँ कि मुझे एक रिलीजन बताइए घाम पे 200 साल मैं रहूँगा, 200 साल मैं ऐसे ही रहूँगा, 200 साल मुझे कोई बीमार नहीं आएगा और 200 साल मुझे कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा और करियर में सबसे बड़ा रहूँगा, कोई नहीं। देर इज़ नो रिलीजन, आई एम हिंदू, इवन हिंदू ऑल्सो यू कैनॉट। हर लोगों को कुछ ऊपर वाले कुछ लिखा है, कितना दिन हम रहेंगे, कितना दिन हम नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम वो सब रहेगा, ये थोड़ा ऐसा सोचना है। और इसमें है क्या, ये फेथ है, जो रिलीजन जो है वो फेथ है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख पारसी जैन बुद्धिज़्म इसमें ज़्यादा है। तो फेथ को अलग रखना, हमारा जो कनेक्शन है उसको अलग रखना, रिलेशनशिप अच्छा रखना। और कोरोना का टाइम में ये कोरोना इसीलिए, मैं तो समझता हूँ कि ये कोरोना इसलिए आया कि हम सब लोग मिलके रहना बोलने के लिए ये कोरोना आया, क्योंकि उस टाइम में किस किस को मदद किया, क्या क्या रूप में, पैसे के बारे में, खाने के बारे में, पूरा बहुत लोग रुक किया। और हम तो एक विला में है रहते हैं जहाँ 64 हाउसेस है और उसमें कम से कम 20 लोग मुस्लिम का हाउसेस है, तो मुझे वहाँ से पूरा मुझे खाना आया था कोरोना का टाइम में। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, घर में थोड़ा वेजिटेरियन ज़्यादा चलता है, तो वो लोग को मालूम है कि मुझे नॉन वेजिटेरियन चाहिए बोल के मुझे वो लोग खाना भेजे, वो रिस्की टाइम में भी, मैं ये नहीं भूलूँगा। जो जो फैंस है, जब मैं प्रॉब्लम में था वो लोग मेरे साथ थे, वो पीछे नेल्लोर में रशीद बोल के है और कमरुद्दीन बोल के इधर है, जब पूरा बहुत लोग है, नाम तो बताना है तो बड़ा लिस्ट है। तो जब मैं ना, जब मैं अच्छा हूँ, जब सुपर डुपर हिट दे रहा हूँ वो अलग है, जब फ्लॉप दे रहा था, जब घर में बैठा था, तब ये लोग आके मुझे आके वो लोग मदद दिया, मतलब मॉरल सपोर्ट दिया है ना, तो मैं नहीं भूलूँगा। ये मेरा व्हाट यू कॉल माय एटीट्यूड इज़ लाइक दिस, कि हम हमेशा हम ऐसे मिलके रहना, क्योंकि बिजनेस भी है, अगर बिजनेस है तो ओनली हिंदू का बिजनेस है तो वो नहीं चलेगा, हिंदू लोगों को मुस्लिम का बिजनेस चाहिए, मुस्लिम लोगों को हिंदू का चाहिए, हमारा दोनों क्रिश्चियन को चाहिए। सो ये पूरा ऐसे ही रहना है, हम सब हैप्पी, मतलब आई वॉन्ट टू लिव इन पीस नॉट इन पीसेस, हर लोग पीस में रहना नॉट इन पीसेस। ये इंडिया है, इंडिया का मेंटेलिटी ऐसे कि सेकुलरिज्म मैं फॉलो करता हूँ, हर लोग हैप्पी रहना, हर लोग को प्रॉब्लम आएगा तो हम पूरा मदद करना उसको, हम प्रॉब्लम से बाहर निकालना, एवरीबडी मस्ट बी हैप्पी, जो होना है वो होगा, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्या बुरा है वो छोड़ देना। कल से रमजान स्टार्ट है, कुछ मैसेज आपकी तरफ सर? जरूर सर, ये रमजान जो स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली
मुस्लिम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जहाँ पे वो ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं और उन लोगों का जो मैसेजेस जो है वो सब पूरा वर्ल्ड पे पूरा वो चलता है। और मैंने रिसेंटली, मैं एक बताता हूँ, मैंने अबू धाबी को गया, अबू धाबी में अबू धाबी का किंग जो है हिंदूज के लिए 27 एकर्स लैंड दिया है और 27 लाख एकर्स लैंड में स्वामी नारायण का एक टेम्पल बना है। ये वर्ल्ड में सब बढ़िया टेम्पल है वो। तो इनका मैसेज सुपर मैसेज है कि हम सब लोग एक हैं, है ना। वैसे भी दुबई का जो मखदूम है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। सो इससे यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से हम अभी लेना कि ये जो है हम पूरा यूनाइटेड रहेंगे। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।